हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग हम तीन तरीके से करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति व भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ये किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कोई भी फर्म्स होती हैं, नॉन प्रॉफिट है, गैर लाभकारी संस्था है, सेवा के उद्देश्य से कार्य करती है, लेकिन उनको भी क्या लोगों को हिसाब किताब देना पड़ता है, लोगों को लेखा देना पड़ता है, पेमेंट कहाँ से प्राप्त आया, कहाँ से प्राप्त हुआ है और कहाँ पर खर्च किया है, यानी कि कहाँ से पेमेंट रिसीव हुआ है और कहाँ से कहाँ पे किस किन आइटम्स पे उन्होंने पेमेंट खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले देखो, रियल अकाउंट, इसका नेचर कौन सा है, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। जो हमने 11 में पढ़ा था, अकाउंट तीन टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है ना। उसके बारे में नेचर के बाद में पढ़ा होगा आपने कि रियल अकाउंट होता क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या, नॉमिनल अकाउंट्स क्या, पूरी डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है। अब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट क्या, संपत्ति कहता है, इसके अंदर क्या संपत्ति आती और जाती है, जो वस्तु प्राप्त होती है, जो संपत्ति आती है क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, जो संपत्ति जाती है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कैश बेसिक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर केवल कैश बेस पर ट्रांजेक्शन किया जाएगा, किसके बेस पर, कैश बेसिस पर, वहाँ यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का क्रेडिट ट्रांजेक्शन का व्यवहार नहीं किया जाएगा, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन का लेखा नहीं किया जाएगा। समरी एट कैश बुक, समरी एट कैश बुक, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, अपने कैश बुक की तरह है, जो अपने 11 क्लास में पढ़ा था, कैश बुक पढ़ी थी ना, सिंपल कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह का होता नहीं है, लेकिन क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक के समान ही है, एक तरह से क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, कैश बुक ही है, क्या है, कैश बुक है। स्टार्ट विद डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 99% डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, किससे होगा, डेबिट साइड से स्टार्ट होगा 99%। केवल 1% चांस का होगा जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो, ओडी हो, जो ओडी होगी ना तब क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, वरना डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। हमेशा रिसिप्ट से जो कोई भी संस्था बनती है, किसी भी संस्था का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, सबसे पहले क्या आता है, पेमेंट आता है, क्या आएगा, पेमेंट आएगा। तो प्राप्ति हुई ना, तो उस प्रकार से क्या है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का अपना स्टार्टिंग किससे करेंगे, डेबिट साइड से, किससे करेंगे, डेबिट साइड से करेंगे। कैश ट्रांजेक्शन, केवल कैश ट्रांजेक्शन होगा, किसी भी प्रकार का क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम नहीं करते, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पहले भी हमने आपको बताया, आगे बताया था कि इसमें किसी भी प्रकार का उधारी का ट्रांजेक्शन नहीं किया जाएगा। नो बैंक कॉलम, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, जो कैश बुक बनाते हैं अपन, कैश बुक बनाते ना, कैश बुक के अंदर क्या करते हैं अपन, थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम का एक अलग से क्या कॉलम बनाते हैं, बैंक के जितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक कॉलम में करते हैं कैश बुक के अंदर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, किसी भी प्रकार का बैंक कॉलम नहीं होता है, किसी भी प्रकार का बैंक कॉलम नहीं होता है। एट द एंड द अकाउंटिंग ईयर, ये साल के अंत में बनाया जाए, किसमें, साल के अंत में। और एक चीज बहुत जरूरी है इसके अंदर, ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम यानी इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, किसी भी प्रकार की मदों को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, यानी आयगत हो या पूंजीगत हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रेवेन्यू एंड कैपिटलाइज दोनों प्रकार की मदों का क्या किया जाएगा, लेखा किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के आइटम्स को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी प्रकार के आइटम को नहीं छोड़ा जाएगा, वह चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, साथ कैपिटल नेचर की हो। रेवेन्यू नेचर आपको पता है कि जो साल के अंदर क्या लगातार प्राप्त होती रहती है, क्या होती है, लगातार प्राप्त होती रहती है, वो अपनी क्या रेवेन्यू होगी। कैपिटलाइज क्या है,
एक बार प्राप्त होती है, क्या होती है, एक बार लंबे समय के बाद एक बार प्राप्त होती है, वो कैपिटल रेवेन्यू कहलाती, कैपिटल इनकम कहलाती है। जैसे हम कैपिटल रेवेन्यू कहते हैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी वस्तु के या किसी चीज के लिए डोनेशन प्राप्त हुआ, किसी चीज के लिए डोनेशन प्राप्त हुआ। अब मान लेते हैं एक इंटरनेशनल एक क्लब है, क्लब के अंदर क्या हुआ कि आई डोनेट का कैंप लगाया, आई डोनेट का कैंप लगाया या कैंप लगाना इनको, तो कैंप लगाने के लिए क्या, आई डोनेट कैंप लगाने के लिए ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगाया, वो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए स्पेशल डोनेशन मिल गया। वहां वो कैंप लगाने के ऑर्गेनाइजेशन करने के अंदर जो खर्चा आ रहा है उस खर्च के लिए क्या डोनेशन मिल गया, स्पेशल डोनेशन हो गया, वो अपना क्या हो गया कैपिटल हो गया, क्या हो गया कैपिटल इनकम हो गई। रेवेन्यू क्या होगी, जो सिंपल सब्सक्रिप्शन संदे के रूप में प्राप्त होता है, सब्सक्रिप्शन रूप में प्राप्त होता है, लगातार प्राप्त होता रहा छोटे मोटे अमाउंट के अंदर, वो अपना हो जाएगा रेवेन्यू। यानी कहने का मतलब क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर किसी भी प्रकार की आइटम को छोड़ा नहीं जाता है, वह चाहे आपकी क्या कैपिटल रेवेन्यू हो, चाहे कैपिटल इनकम हो, चाहे रेवेन्यू इनकम हो, ठीक है ना। अब देखो कैपिटल इनकम, देखो आपने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, ये क्या कैश तो गया लेकिन संपत्ति आई है आपके अंदर, वो हो गया रेवेन्यू का। आपने सैलरी पेड की है, क्या की है सैलरी पेड की है, पैसा गया, यानी कि इस प्रकार के इनकम और इनकम और एक्सपेंडिचर हुए। यानी कहने का मतलब क्या, सैलरीज आपको सैलरी बताया, एक क्या है रेवेन्यू की तरफ बताया, पूंजीगत आयगत पूंजी आयगत वे बताया, कौन से बताया है सैलरी क्या आयगत वे में आया, तो आयगत वे कंटिन्यू हो रहे हैं ना, क्या हो रहा है कंटिन्यू हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, तो उनको रिसिप्ट एंड पेमेंट को अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, इसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको रेवेन्यू इनकम एंड रिसिप्ट इनकम, रेवेन्यू एंड कैपिटल इनकम दोनों को शामिल करना है, एक्सपेंसेज भी दोनों को शामिल करना है, से कैपिटल एक्सपेंसेज हो सा रेवेन्यू एक्सपेंसेज हो, ठीक है ना। अब देखो अब वापस बता देता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम और कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस दोनों को शामिल करना है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का नहीं होगा। एक बार वापस बता दो, रिसीव पेमेंट अकाउंट होता है क्या, रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, कैश बेसिस पे होगा, किसी प्रकार क्रेडिट नहीं होगा, ये कैश बुक की क्या समरी है, स्टार्ट डेबिट साइड से होगा, क्रेडिट साइड बैंक ओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तभी वो क्या होगा क्रेडिट साइड होगा। 99% आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड से ही स्टार्ट होगा, कैश ट्रांजेक्शन केवल क्या होगा कैश ट्रांजेक्शन, क्या होगा कैश ट्रांजेक्शन होगा, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, किसी प्रकार क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें नहीं होगा, नो बैंक कॉलम, सेपरेट किसी प्रकार का बैंक कॉलम नहीं है, जो अपने 11 में जो कैश बुक पड़ी थी सिंपल डबल कॉलम एंड थ्री कॉलम, डबल कॉलम थ्री कॉलम के अंदर बैंक कॉलम बताया हुआ था। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, एक कैश बुक का ही है, कैश बुक का स्वरूप है, क्या कैश बुक का स्वरूप है, लेकिन इसमें बैंक कॉलम नहीं होगा, ठीक है ना, बैंक की एंट्री हो कैश की एंट्री हो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करनी है, अलग से किसी प्रकार का कॉलम नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग ईयर, ये साल के अंत में बनाया जाएगा, बीच में नहीं बनाया जाएगा, मध्य में, जिस समय अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है आप जिस समय अकाउंट खत्म करो, जैसे कि अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपने हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंस ईयर क्या है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है, और कई दफा आपके क्वेश्चन में मिलेगा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और 31 दिसंबर पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार अकाउंटिंग ईयर होता है। ऑल द कैपिटल रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इसके अंदर आपको ऑल टाइप्स के कैपिटल्स एंड रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस को शामिल करना है। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जितने सारे कॉन्सेप्ट थे मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की, ठीक है, इससे क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट समझने से बात क्या होगा, आप नंबरिकल क्वेश्चन करने जाओगे ना नंबरिकल क्वेश्चन करने क्या होगी आपको आसानी होगी, ठीक है ना। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता कैसा है, ठीक है, कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना।
फॉर्मेट का डिस्कस करने के बाद क्या होगा, आप बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसके यानी क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको एक बेसिक थ्योरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसके अंदर कौन सी आइटम्स को लेना है, कौन से आइटम्स को नहीं लेना है, ये क्या है, किस प्रकार बनता है, उसके बारे में पूरा अपना नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट लगाया मैंने। यह आपका हो सकता है भाई 31 मार्च भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है, एंड द ईयर माने 2019 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको शुरू करना है। फर्स्ट चार कॉलम होगी इसके, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। सबसे पहले आपको दिया होगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। इसके अंदर क्या, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, यानी आपके हाथ में कितने पैसे हैं और बैंक में कितने पैसे हैं, दोनों को शामिल करते हैं बैलेंस बीडी के अंदर, ठीक है ना। आप कंफ्यूजन है, क्वेश्चन के अंदर कई दफा क्या होगा, बैलेंस दिया होगा, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड दोनों दे रखा होगा, आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो उस समय क्या होगा, आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों अमाउंट को शामिल करना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, चंदे की राशि, टू सब्सक्रिप्शन, जितने चंदे की राशि प्राप्त हुई है टोटल अमाउंट आपको यहां लिखना है। टू लीजेंसी, इसको बोलते हैं वसीयत, वसीयत नामा के द्वारा कितना हमको प्राप्त हुआ है। कोई जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग हैं, अपनी वसीयत, अपने जायदाद का एक भाग किसी संस्था को क्या करते हैं, दान कर लेते हैं, क्या करते हैं, दान करते हैं, तो वो दान के रूप में क्या प्राप्त होती है, वसीयत होती है, तो उस वसीयत का हम लीजेंसी नाम से अलग से अकाउंट करते हैं। टू डोनेशन, टू डोनेशन, डोनेशन पिछले वीडियो में आपको बताया था, डोनेशन नॉर्मल डोनेशन होता है और स्पेशल डोनेशन होता है। अगर नॉर्मल डोनेशन है तो अपना रेवेन्यू इनकम में जाएगा, और स्पेशल डोनेशन तो कैपिटल रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है ना। सर डोनेशन किसी भी प्रकार का हो, सर कैपिटल हो, सर रेवेन्यू हो, ठीक है, नॉर्मल या हो स्पेशल हो, और डोनेशन को भी शामिल करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, बैलेंस बीडी के बारे में। इससे पहले हम क्या करेंगे, पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टू बैलेंस बीडी, अगर प्रश्न के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, प्रश्न के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो अपने क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को एक फैसिलिटीज दी जाती है। क्या दी जाती है, फैसिलिटीज, अपने क्रेडिट, अपने खाते के अंदर जितना अमाउंट है, क्रेडिट है, उससे कहीं अधिक निकालने का, निकालने की सुविधा, ठीक है ना, जितना अमाउंट है उससे अधिक निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये अपनी क्या दायित्व है, लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज क्या करते हैं, क्रेडिट में करते हैं, सीधी सी बात है। अपने रियल अकाउंट का सिस्टम क्या है, दायित्व में वृद्धि पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और दायित्व में कमी होने पर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये है ना, संपत्ति आती डेबिट करते हैं, संपत्ति आती क्रेडिट करते हैं, सीधा सर सीधी सी बात है। बाय फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर के लिए आपने पेमेंट क्या दिया है, पेमेंट किया है, बाय फर्नीचर हो गया, लेकिन ये क्या आपकी संपत्ति है, ये क्या है, संपत्ति है, कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंसेज है, क्या है, फर्नीचर, मशीनरी एंड लैंड, ये आपकी तीनों क्या है, तीनों कौन से किस प्रकार के एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंसेस, यानी कि आपको बताया, यहां से बताया था मैंने कि ऑल टाइप कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो फर्नीचर, मशीनरी और लैंड, ये तीनों क्या है, कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज एक्सपेंसेस है, शामिल कर दिया। बाय सैलरी, सैलरी हमें हर पर मंथली देते हैं, पर मंथली लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया, क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, टू बाय सैलरी हो गया। बाय बैलेंस सीडी, अगर पे रिसिप्ट ज्यादा है, अगर रिसिप्ट ज्यादा है तो अपना बैलेंस सीडी क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, वो अपना कैश एट बैंक या कैश एट हैंड हो सकता है। अगर पेमेंट ज्यादा है, पेमेंट कॉलम का योग ज्यादा है और रिसिप्ट कॉलम का क्या है, योग कम है, तो अपना क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब देखो एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, समझ लेना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स के अंदर जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, वही रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में करना है।
ठीक है, बैलेंस बीडी स्टार्टिंग टू डेबिट साइड, स्टार्टेड विथ डेबिट साइड, स्टार्टेड विथ डेबिट साइड, हमेशा रिसीट एंड पेमेंट है डेबिट साइड से होगा 99% केसेस में, 1% केसेस के अंदर क्रेडिट साइड में हो सकता है अगर उस संस्था पर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो अपना अकाउंट्स क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस, लेगिन से वसीयत, डोनेशंस, आप जब पेमेंट की तरफ जाते हैं बाय बैलेंस बीडी, ओवरड्राफ्ट होने की कंडीशन होगा, बाय फर्नीचर, बाय मशीनरी, बाय लैंड, सैलरीज, ठीक है, ऑल आर एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर लिया बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, इस प्रकार से हम रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इस प्रकार से अपने सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम नंबरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आज आपके इस लेक्चर में क्या बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हाउ प्रिपेयर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।